नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस लेसन में। तो अभी हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। तो जो दाम बढ़े हैं, इन्फ्लेशन हुई है प्रोडक्ट्स की, गुड्स की, सर्विसेज की, तो उसका किस किस चीज पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा उसको हम समझने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो यहाँ पर कई सारी अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, तो दो तीन वीडियो में, चार वीडियो में इसे कंप्लीट करने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन क्रेडिटर्स एंड डेटर्स। क्रेडिटर जो रुपए देते हैं, ठीक है, और डेटर्स जो रुपए लेते हैं उधार करने वाले, ठीक है, ये दान करने वाले, देने वाले होते हैं और ये एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। जैसे आप गोल्ड लोन लेते हो, ठीक है, तो एक तरह से आप डेट ले रहे हो ना, आप अपना गोल्ड जमा कर रहे हो सोनार के पास और उधार ले रहे हो, बैंक से आप ले रहे हो, तो बैंक क्या हो गई, क्रेडिटर, और हम क्या हो गए, अगर हमने लोन लिया तो डेटर्स हो। तो इन पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है। तो जनरली अगर इन्फ्लेशन बढ़ रही है तो नुकसान किसको होगा, फायदा किसको होगा। तो इन्फ्लेशन जब बढ़ती है तो नुकसान होता है क्रेडिटर को और फायदा होता है उधार लेने वाले को। तो ये अजीब स्थिति है कि जहां पर उधार लेने वाला फायदे में रहता है और जो उधार देने वाला है वो नुकसान में रहता है। बट कंडीशन तब है कि जब इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है, ठीक है। क्यों ऐसा क्यों होता है, ये क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस में आता है, कई बार गलती होती है, स्टार्टिंग में भी गलती कर देता था। कारण क्या है वो समझते हैं, वही इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, बाकी और ज्यादा नहीं है। मान लेते हैं आपने 1000 रुपीज बैंक से लिए, 1000 भी ज्यादा ले लेते हैं, 1 लाख रुपीज ले लेते हैं, ठीक है, 1 लाख रुपीज लिए 5 ईयर्स के लिए। अब क्या हुआ, इन्फ्लेशन चल रही थी 4% की, ठीक है, तो 400 रुपए का इसमें लगता रहेगा, 4000 रुपए का लगता रहेगा, ठीक है, तो 4000 रुपीज का बढ़ते रहेंगे, ठीक है, इन्फ्लेशन के हिसाब से इसकी कीमत हर साल। बट जो बैंक ब्याज ले रही है, बैंक जो इंटरेस्ट ले रही है, वो मान लो 8% का ले रही है, तो यानी 4% का 8-4 पर ईयर बैंक को फायदा हो रहा है, ठीक है, जब उसने लोन को सैंक्शन किया, मान लो 2020 में उसने सैंक्शन किया, अप्रैल 2020 में, ठीक है, तो उसको आज के रेट के हिसाब से इन्फ्लेशन जो 4% हो रही है, तो पर ईयर उनको 4% का प्रॉफिट हो रहा है। समझ में आ रहा है ना क्यों प्रॉफिट हो रहा है, वो क्लियर है ना, क्योंकि इन्फ्लेशन 4% है और 8% का ब्याज ले रहा है। अब क्या हुआ, फर्स्ट ईयर में तो 4% रहा, सेकंड ईयर में ये 5% इन्फ्लेशन हो गया, बट बैंक जो 1 लाख रुपए लोन देने के बाद जो ब्याज लगा रहा है वो तो 8% की लगा रहा है, तो अब बैंक को फायदा कितना होगा, 8-5 3%। थर्ड ईयर में क्या होता है, 6% पहुंच जाता है, तो अब बैंक को बेनिफिट कितना होगा, 2%, ठीक है। अब मान लो फोर्थ ईयर में 7% हो जाता है, समझने के लिए कह रहे, तो अब बैंक को फायदा कितना होगा, सिर्फ 1% का। और जब लास्ट ईयर है, जब उसका 5वां साल है, उस समय 8% हो जाती है इन्फ्लेशन, तो बैंक को फायदा क्या होगा, 0। ये सब तो बैंक के परस्पेक्टिव से हो गया, ठीक है, कि उसको नुकसान हो रहा है 3% का, 2% का, 1% का। बट यहीं पर डेटर है, जिसने लोन लिया है, उसको क्या फायदा हो रहा है, उसे 3% का यहाँ फायदा, यहाँ पे 4% का फायदा, यहाँ 5% का फायदा, और यहाँ तो उसको कुछ देना ही नहीं पड़ रहा, नुकसान में ही नहीं है वो, ठीक है। तो ये जो चीज है, ये चीज इन्फ्लेशन बढ़ने से होती है और ये उल्टी तरह से असर करती है, क्रेडिटर को नुकसान होता है और डेटर को फायदा होता है, क्योंकि यहां पर उसकी कीमत जो है ना वो इन्फ्लेशन के हिसाब से देख रहे हैं तो नुकसान हो रहा है। समझ में आ गया होगा आपको कि एग्जांपल से मैंने समझाया, ठीक है, 8-4, 8-5, 8-6 इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट, उसका लिंक है यहां पर। तो इस तरह से जो बैंक देने वाली है उसको तो नुकसान हो गया और लेने वाले को यहां पर फायदा हो गया, तो ये इन्फ्लेशन का इनडायरेक्टली लिंक है क्रेडिटर और डेटर से, ठीक है। और क्या प्रभाव पड़ता है इन्फ्लेशन का अलग अलग सेक्टर्स पे, अलग अलग यूनिट्स पे, वो आगे की वीडियो में लिखेंगे। ओके, थैंक यू। कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा।